इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जिस समय उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बढ़िया अकबर बीरबल की कहानी। हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आज एक नए अंदाज में, नए तरीके से आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में पधारते हैं। दरबार में सिंहासन पर बैठने के बाद उसके बाद वो दरबारियों को बोलते हैं कि एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, आप बताइए कि उन्हें क्या सजा दी जाए। दरबारी आपस में ही कानाफूसी करने लगते हैं। वो आपस में ये कानाफूसी करते हैं कि ऐसी गुस्ताखी कौन कर सकता है जो बादशाह अकबर की दाढ़ी खींच सकता है, उसकी मौत आई है क्या। आपस में सभी दरबारी कानाफूसी करते हैं। उसके बाद एक दरबारी बोलता है, महाराज अगर ऐसी कोई गुस्ताखी करता है तो उसका सर धड़ से अलग करवा देना चाहिए। उसके बाद दूसरा दरबारी बोलता है कि महाराज इस तरह के व्यक्ति को तो हाथियों के पैरों तले दबवा देना चाहिए। उनमें से एक तीसरा दरबारी और बोलता है, महाराज इस तरह के गुस्ताख को तो कोड़े बरसाने चाहिए। उनमें से एक चौथा दरबारी और बोलता है, महाराज अगर कोई इस तरह की गलती कभी भी करता है तो उसे दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इस तरह की सजाएं अकबर बादशाह के दरबार में उनके दरबारियों द्वारा उस व्यक्ति के लिए सुनाई गई जिस व्यक्ति ने बादशाह अकबर की दाढ़ी खींची थी। अब बादशाह अकबर भी ये सजाएं सुनकर बहुत परेशान हो गए, वो बहुत ऊब गए, उनको ये लगने लगा कि यह किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल से कहा, बीरबल आप ही बताइए कि हमें उसे क्या सजा देनी चाहिए जिसने मेरी दाढ़ी खींची है। बीरबल बहुत चतुर, बहुत तेज दिमाग वाले थे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और बादशाह से बोले, बादशाह अकबर आपको ऐसे व्यक्ति को जिसने आपकी दाढ़ी खींची हो, ऐसे एक शख्स को तो आपको अपने हाथों से खुद मिठाई खिलाकर सजा देनी चाहिए। यह सब सुनकर दरबार में जितने भी बैठे दरबारी थे वो बीरबल को हैरानी से देखने लगे। वो इस तरह से देखने लगे कि बीरबल जैसे पागल हो गए हैं। लेकिन बादशाह अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हो जाते हैं और वो बीरबल से ये पूछते हैं कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है और ये बताइए कि मेरी दाढ़ी खींची किसने होगी। तो बीरबल ने बताया कि बादशाह अकबर इस तरह की गुस्ताखी शहजादे के अलावा और कौन कर सकता है, यह सिर्फ शहजादा ही कर सकता है और कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो आपकी दाढ़ी खींच पाए। बीरबल का जवाब बिल्कुल सही था। बीरबल से बहुत खुश हो गए अकबर और उसको बहुत शाबाशी देने लगे और उनके चतुराई दिमाग की बहुत तारीफ करने लगे। बीरबल का जवाब ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आज सुबह बादशाह अकबर जब शहजादे के साथ खेल रहे थे, शहजादे ने खेलते खेलते बादशाह अकबर की दाढ़ी खींची थी। तो बीरबल के इस जवाब से बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए और बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन बाकी सभी दरबारी जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बादशाह अकबर की दाढ़ी बाहर का व्यक्ति आकर कैसे खींच सकता है और क्यों खींच सकता है, ये सभी सोच सोच कर उन सभी के सर शर्म से नीचे झुक गए। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है, कभी बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनके बारे में हम बिना सोचे बिना समझे कुछ भी उल्टी सीधी बातें या कुछ भी कानाफूसी करने लगते हैं। कभी कभी जिस तरह की हम लोग कानाफूसियां कर रहे होते हैं, उस तरह की बातों के पीछे का सच कुछ और ही होता है और उससे बहुत सारी गलत फहमियां जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग वो बातें कर रहे होते हैं उस व्यक्ति से हमारी हो जाती है। गाइस, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को आप लाइक कीजिए और कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए, और किस तरह की कहानियां आप हमारी इस कहानी वाले चैनल पर सुनना चाहते हैं उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू।